एमपी है और ये यूपी है और वो राजस्थान है, वहाँ बॉर्डर हुआ यहाँ। अच्छा वो राजस्थान है, वाराणसी राजस्थान। सो हम लोग चंबल नदी पे हैं और जैसे बताया आपने आप तीनों स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इसको ऊपर रखना, जब आप इसको चप्पू चलाते हो ना तो जब ये पानी में जाके आपको ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अब जो इसको निकालना है फिर पीछे जाना है फिर पानी में जाके, सो दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। बड़ा बोट है। 50 आदमी बनेंगे, 50 आदमी बन जाएंगे और औरत 50 ही औरतें भर जाएंगी। 100 हो गए, 100 इंसान और बच्चे, बच्चे और गोदी में रखे जाएंगे और क्या। तो 120 पकड़ लो और फिर चलाना, और भारी पड़ेगी। हाँ भारी तो पड़ेगा ही, वो वजन हम भर के चलेगा तो पानी भार के चलेगा तो बहुत ताकत पड़ेगी। एक दिहाड़ी खत्म करके दूसरी दिहाड़ी दे रहे हो मतलब है? लवर रख लियो भाई, लवर रख लूँ। हाँ आपकी लवर है कि आपकी लवर है? शर्मा तो रहे हो, मेरे को दिखता नहीं है। नहीं लेकिन आप दिख रहे हो इसमें, दिखा तो दिख जाएंगे। आवाज भी आएगी आपकी, मेरी लवर है। हाँ दिखे, हाँ दिखे, दिखे, दिखे। बोलो मेरी लवर है, बोलो बोलो आप, मेरी लवर है, मेरी लवर है। अरे एक बीवी और एक लवर, एक बीवी एक लवर। अरे वाह, तो ये आपकी बीवी को दिखा दें बस देख लीजिए। पानी रहता है जो भी सूख गया है, जब बाढ़ आती है तो सब डूबा होता है। सो अभी हम लोग चंबल नदी क्रॉस करके आए हैं इधर मगरमच्छ देखने के लिए। मुझे बोला गया मतलब तुम सबको कि मगरमच्छ इधर ही रहता है, बट मैं थोड़ा एक्चुअली स्लिप हो रहा हूँ क्योंकि पूरा रेत पे चल रहे हैं हम लोग नदी के किनारे, ये देख सकते हो आप। तो मगरमच्छ तो नहीं दिखा एक भी, बट अच्छा लगा काफ़ी। नाव चला करके क्रॉस किया, बहुत टफ जॉब है नाव चलाना, जो चलाते हैं हैट्स ऑफ उनको। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, किसी और दिन ट्राई करेंगे मगरमच्छ देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने नाव में घुमाया।